नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अविनाश। शारजहां में आज चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं। जिस मैदान को गेंदबाजों का कब्रगाह माना जाता है, आज उसी मैदान पर गेंदबाजों ने बल्लेबाजों से बदला ले लिया है। तेज गेंदबाजी के आगे सारे बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। बुमराह और बोल्ट के आगे खिलाड़ियों ने सरेंडर कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों से और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस सीजन इतना ज्यादा प्रदर्शन खराब रहा है कि पूछिए ही मत। पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब धोनी ने युवाओं में स्पार्क नहीं है वाला बयान दिया था, तो सारे क्रिकेट दिग्गज भड़क उठे। और आज जब धोनी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हीं युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, तो सबके सब शून्य के स्कोर पर आउट हो गए। और नौबत ये आ गई कि 3 रन के भीतर ही चेन्नई के 4 विकेट गिर गए और 21 रन होते होते आधी टीम पवेलियन। बुमराह ने कहर ढा दिया। सबसे पहले अंबाती रायडू को बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया और इसके बाद अगली ही गेंद पर एन जगदीशन को उन्होंने आउट कर दिया। पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद बुमराह ने छोटी फेंकी, क्योंकि रायडू की कमजोरी है छोटी गेंद। इस पर वो पुल शॉट खेलना चाहते थे, पर गेंद ने बल्ले के ऊपरी हिस्से को छुआ और पीछे विकेट कीपर ने कैच लेने का कोई मौका नहीं गवाया। लिहाजा 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर रायडू आउट हो गए। और इसके बाद अगली गेंद पर बुमराह ने नए बल्लेबाज एन जगदीशन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, बुमराह की एक लेंथ डिलीवरी पर जगदीशन आउट हुए। पहली स्लिप में सूर्य कुमार यादव ने उनका कैच लपका। आउटसाइड ऑफ स्टंप पर बुमराह ने ये गेंद फेंकी थी जिसे ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले के बाहरी हिस्से को छुआ और एन जगदीशन कैच आउट हो गए। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक का मौका था पर बना नहीं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।